हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज हरीश शर्मा। वेलकम टू डिवाइन इंस्टीट्यूट। टुडे यू आर गोइंग टू लर्न द टेंस नेम प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, यू हैव लर्न येट प्रेजेंट सिंपल। हम प्रेजेंट सिंपल को प्रेजेंट इंडेफिनेट भी बोलते हैं। और सेकंड जो आपने सीखा था वो था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। तो यू हैव लर्न टू सेंटेंस, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओके, नाउ वी आर लर्निंग टुडे प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये थर्ड नंबर का जो टेंस है, प्रेजेंट का तीसरा जो भाग है, पार्ट है, वो क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। राइट, प्रेजेंट परफेक्ट। इसके बारे में आप सबसे पहले हम क्या देखते हैं? आइडेंटिटी। हम इसको कैसे जानेंगे कि जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट का है? तो देखते हैं, लेट्स सी अबाउट आइडेंटिटी, पहचान के बारे में। आइडेंटिटी क्या होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट की? डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक सजेशन दूंगा। जब भी हम कुछ सेंटेंस के बारे में सोचें, तो सबसे पहले उसके नेम को हम देखेंगे। नेम के अंदर ही सारा आंसर छुपा होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट, ऐसा कार्य, ऐसा वर्क जो प्रेजेंट के अंदर किया गया है और वो कंप्लीट हुआ है। परफेक्ट का मतलब क्या? इंडिकेशन हो रहा है कि वो कंप्लीट हो चुका है, काम हुआ है, वो क्या कहलाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। ऐसा कार्य जिसे अगर मैं कहूं मैं नहा चुका हूं या मैं नहा लिया, अगर मैंने ये कहा वह खाना खा चुका है, मेरा मित्र चाय पी चुका है, मेहमान नाश्ता कर चुके हैं या मेहमानों ने नाश्ता कर लिया, इस तरह के जो सेंटेंस होंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट में होंगे। तो इसकी आइडेंटिटी आपको ध्यान रखना है। जब भी वाक्य के अंत में, जनरली हम देखते हैं वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, किसी का कोई कार्य कर लिया है, किया है, दिया है, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपल सी आइडेंटिटी अगर हिंदी में कहें तो क्या लिख सकते हैं आप? चुका है, चुका है, कोई भी कार्य कर चुका है, चुकी है, चुकी है, चुके हैं, चुके हैं, किया है, दिया है, इस तरह के किया है, जैसे किया है, दिया है। ओके, इस तरह से जो सेंटेंस बनेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बना सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। तो हम इसका स्ट्रक्चर अगर देखें, स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं, फिर ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस हम बनाएंगे। स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। ओके, सब्जेक्ट के बाद में जो यहां आता है वो ये है, हैव ऑब्लिक हैज। या तो हैज आएगा या हैव आएगा, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी। ओके, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब फॉर्म क्या होगी इसकी? थ्री। ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, सिंपल सा वर्ब थ्री लिख सकते हैं यहां पे आप, वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। राइट, तो ये इसका स्ट्रक्चर होगा। अब आप इसको ज्यादा से ज्यादा इसके सेंटेंस के बारे में सोच सकते हैं। सबसे जो मेन थिंग है, जो लर्न रखने वाली जो बात होगी, वो ये होगी कि आप हैज कहां लिखेंगे और हैव कहां लिखेंगे। तो हैव के बारे में हम देखते हैं। हैव जो है, इसका यूज जो हेल्पिंग वर्ब है, इसका यूज आप कहां करेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। जैसे प्लूरल में हम क्या काउंट करते हैं? आई, वी, आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव। ओके, दे हैव प्लूरल नेम है, किसी के दो नाम साथ में आ गए, तीन नाम आ गए, तो वो प्लूरल हो गए। तो वहां पे क्या आ जाएगा? रवि एंड अभय हैव। ठीक है, रवि है एंड अभय हैव गॉन टू स्कूल।
तो इस तरह से जो सेंटेंस बनेंगे वहां पे हैव का यूज हो जाएगा, प्लूरल अगर सब्जेक्ट है तो हैव का यूज होगा, ओके। एंड हैज कहां आएगा, हैज का यूज आप कहां करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, ही हैज, शी हैज, और इट हैज, एनी नेम, किसी एक नेम अगर कोई है तो एनी नेम, रवि हैज, अजय हैज, ओके, शी हैज, तो इस तरह से जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ हैज का हमें ऑलवेज यूज होगा, ये आपको ध्यान रखना। अब सेंटेंस के बारे में देखते हैं, मान लीजिए हमने सेंटेंस बनाया आई, अब आई के साथ हमको क्या यूज करना है, हैव, आई हैव टेकन बाथ, ओके। तो आई के साथ है हो गया, टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, टेक टू टेकन, तो वर्ब की हमने कौन सी फॉर्म यूज कर ली, यहां पे टेक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टेकन बाथ, मैं नहा चुका हूं, या इसको आप ऐसे बोल सकते मैं नहा लिया हूं, आप ये भी बोल सकते मैं नहाया हूं, अभी अभी नहाया हूं, तो नहा लिया हूं। जब भी कोई सेंटेंस प्रेजेंट के होंगे पर और कुछ काम कर लिया है, प्रेजेंट के अंदर अगर आपने कुछ कार्य कर लिया है और वो आपको बताना है तो वो कायम में शो होगा प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। आई हैव टेकन बाथ, आई हैव टेकन टी, मैं चाय पी चुका हूं, ओके। इस तरह से वह, जैसे अगर मैं ये कहूं वह यहां पहुंच चुका है, वह यहां पहुंच चुका है, तो ही क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, सिंगुलर के साथ में हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हैज का, ही हैज सब्जेक्ट प्लस हैज, ही हैज पहुंचने के लिए कि हम क्या वर्ब आती, रिच, आर ई ए सी एच, रिच का सेकंड और थर्ड फॉर्म हमको यूज करना है, तो रिच, ही हैज रिच्ड हेयर, यहां पर, ठीक है, वो यहां पहुंच चुका है। अगर हम ऐसा कहें ट्रेन स्टेशन पर पहुंच चुकी है तो क्या लिखेंगे, द ट्रेन, ट्रेन, अब ट्रेन क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, एक है, एक ट्रेन की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के साथ हैज का यूज कर लिया, ट्रेन हैज अराइव, और डी Arrived, okay, थर्ड फॉर्म का यूज किया, अराइव मीन्स पहुंचना होता है, हमने इसकी थर्ड फॉर्म यूज करी, द ट्रेन हैज अराइव्ड ऑन प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म, ओके, तो ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुकी है। इस तरह से हमको प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस बनाना है, बहुत आसान है ये, इसको अच्छे से आप समझिए, ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस इसके बारे में सोचिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम यहाँ पे जो प्रेजेंट परफेक्ट का हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को लिखा है, हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव एंड देन इंट्रो नेगेटिव के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, तो हमने इसका स्ट्रक्चर समझा है अफर्मेटिव का, देन नेगेटिव, तो नेगेटिव के लिए क्या होगा, नेगेटिव का स्ट्रक्चर आपको पता है, नेगेटिव में हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ में, सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब के साथ में नोट लगाते हैं, तो इट इज वेरी इजी, हेल्पिंग वर्ब ले ली, हैव देन हैज, और यहां पे हमने नोट का यूज किया, जस्ट बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज होगी यहां पे, देन ऑब्जेक्ट, दिस इज नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का क्या होगा, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर के बारे में क्या, तो यहां पे इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वाला जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख लेते हैं, इट इज वेरी सिंपल, हैव, हैज को हमने फर्स्ट में लिख लिया, देन सब्जेक्ट, फिर वर्ब एज इट इज आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पे, ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क हम लगाना नहीं भूलते क्योंकि क्वेश्चन है, देन इंट्रो नेगेटिव, अब हम बनाएंगे यहां पे क्वेश्चन वाला नकारात्मक नेगेटिव, तो इंट्रो नेगेटिव, इंट्रो नेगेटिव के लिए क्या है, क्वेश्चन है इसलिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब तो आगे ही आएगा, सब्जेक्ट इसके बाद आ जाता है, देन
क्योंकि नेगेटिव है क्वेश्चन, इसलिए नॉट सब्जेक्ट के जस्ट बाद में लगता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, देन इंट्रो नेगेटिव। अब हम यहाँ पे सेंटेंस के बारे में सोच सकते हैं, कोई सा भी सेंटेंस हम बनाते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूं मैं उससे मिल चुका हूं, ठीक है, मैं उससे, जैसे आई हैव मीट टू हर, ओके। तो मैं इसको ये भी बोल सकता हूं कि मैं उससे मिला, या फिर मैं उससे मिला हूं, या फिर मैं बोलूं मैं उससे मिल चुका हूं। तो ये सारे सेंटेंस क्या होंगे? प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि जो सेंटेंस प्रेजेंट में किसी कार्य को कंप्लीट होने के बारे में इंडिकेट करता है वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है। तो यहां पे जैसा कि वर्ड है उसको आप ध्यान रखिए, नेम को ध्यान रखेंगे तो सेंटेंस पहचान जाएंगे कि कौन से टेंस का है। आई हैव मीट टू हर, अब हम ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। इसको अगर नेगेटिव बनाना है तो क्या करना है हमको? हैव, I have not meet, verb की third form to her as it is, okay? अब इसी को आपको intro negative करना है तो helping verb आगे लिख दिया, have I meet to her, क्या मैं उससे मिल चुका हूं? Then intro negative, have I not meet टू हर, क्या मैं उससे नहीं मिल चुका हूं? दिस इज इंट्रो नेगेटिव। तो ये आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, बहुत सिंपल है, सभी जो टेंसेस है उसके इसी तरह से आपको स्ट्रक्चर को ध्यान देना है। तो आप ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाएंगे और ज्यादा से ज्यादा इसको आप लर्न रख पाएंगे। सेंटेंस के बारे में और हम देख लेते हैं, कुछ और सेंटेंस आप बनाइए ताकि आप इसको कंप्लीट कर पाए। लर्न बाय हार्ट, ज्यादा से ज्यादा वो सेंटेंस बनाओ जो हम यूज कर रहे हैं, हम अपनी कन्वर्सेशन में, बातचीत में जो हम सेंटेंस बोलते हैं आप उनको कन्वर्ट करिए, उनको ट्रांसलेट करो, तो हम बोलना भी जल्दी सीखेंगे और टेंसेस भी हमारे कंप्लीट होते जाएंगे। तो अगर हमने ये बोला कि जैसे मैं कहूं ही हैज टेकन टी, वह चाय पी चुका है, ओके, सिंपल सा, ही हैज टेकन टी। एक और सेंटेंस बनाया, वी के साथ क्या आ जाएगा? हैव, वी हैव रीच, वी हैव रीच्ड एट टेंपल, हम मंदिर पर पहुंच चुके हैं, ओके। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, अब हम जैसे अगर हमने कहा शी, तो शी क्या है? सिंगुलर है, शी हैज वॉच्ड दिस गार्डन, शी हैज वॉच्ड दिस गार्डन, अगर आपने ये कहा, ठीक है। तो अब हम इन सेंटेंस को किस तरह से बना, इसको क्या करना है आपको ये देखिए। जैसे मान लीजिए ये सेंटेंस है, आपको इसको नेगेटिव बनाना है, इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाइए, इसको बनाना है आपको इंट्रोगेटिव और इसको बनाना है आपको इंट्रो नेगेटिव, ओके? तो कैसे बनाएंगे? थिंक अबाउट दिस सेंटेंसेस। तो अगर हम पहले सेंटेंस के बारे में बात करें तो क्या होगा? नेगेटिव करना है, क्या करेंगे? नॉट कहां जाएगा? कहां आएगा? यस, हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो क्या लिखेंगे? ही हैज नॉट टेकन टी, वह चाय नहीं पी चुका है। इंट्रोगेटिव इसका देखते हैं, वी हैव रीच्ड ए टेंपल, हम मंदिर पर पहुंच चुके हैं, तो क्वेश्चन बनाना है, हैव वी रीच्ड,
हैव वी विजिटेड एट टेम्पल क्वेश्चन मार्क देन शी हैज वॉच्ड दिस गार्डन या शी हैज सीन दिस गार्डन। ओके, तो यहां पे जैसे वॉच्ड क्या होता है, वॉच्ड का यूज हम कहां करते हैं, जैसे ध्यान से देखना या इस तरह से हम यूज कर सकते हैं यहां पे भी। तो शी हैज वॉच्ड, तो क्या लिखेंगे, शी, इंट्रो नेगेटिव करना है आपको इसको, तो हैज को पहले लिख दो, हैज शी नॉट, सब्जेक्ट ही बाद में नोट आ जाएगा, हैज पहले सब्जेक्ट देन नॉट, हैज शी नॉट वॉच्ड दिस गार्डन। ओके, दिस, तो ये इस तरह से आपको सेंटेंस के बारे में सोचना है, ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाने हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स।